एक बहुत ही भोला वाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाता सोता और घूमते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया एक आश्रम है जहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, हर दिन दिन में दो समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचने लगा। और फिर वह भोला भाला लड़का अपना सांसारिक जीवन छोड़कर आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे, वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी का समय आराम करता, फिर पेट भर खाना खाकर सो जाता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला कोई बात नहीं, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। Oh no. वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। गुरुजी, मैं उपवास नहीं करूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा। जाओ, भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और वह भोजन पकाने लगा। फिर भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा, हे भगवान श्री राम, आइए पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगने लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे, तो फिर वह कहने लगा, मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ दो लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए, क्योंकि अब भगवान राम के साथ माता सीता भी आई हुई थी। तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो वह भोला सा आलसी लड़का बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूंगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने नदी किनारे 3-4 लोगों का भोजन बनाया और इंतजार करने लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेके आए हैं। लड़के ने तो 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन निकलता गया और फिर एकादशी का दिन आया। लड़का इस बार गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि वह इतने सारे अनाज का क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। गुरुजी भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं तो उनके साथ भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है। फिर गुरुजी ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं लड़का इस अनाज का क्या करता है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस बार उसने भोजन बनाया ही नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर वह प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी यह सब छिपकर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं,
तुम ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। पागल हो गया लगता है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, वो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। नहीं पुत्र, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी को कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए वह आपको दर्शन नहीं दे सकते। यह बात सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गई और उदास होकर बोले, बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। इस तरह भगवान श्री राम ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।